ये देखो कितना बढ़िया, मसूरी के टोल में पहुंच चुके हैं, गए और चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अरे ये तो हम मसूरी पहुंच गए, हम भी फिसलेंगे लग रहा, तू उतर ही जा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो देखे, तो आज भी हम आ चुके हैं सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह सही रहता है, काफ़ी मज़ा आता है सुबह सुबह जाने में, फ्रेश हवा मिलती है एकदम नेचर से, तो सुबह सुबह जाने में तो अलग ही मज़ा आता है। तो आज हम जा रहे हैं भट्टा फॉल, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और काफ़ी सही जगह है वो भी, आप लोगों को देखने में मज़ा आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल तेल जलाते हैं पहले गाड़ी में, फिर चलते हैं आगे की तरफ। बाकी साथ वाले पेट्रोल पे खड़े हुए हैं। तो हमने पेट्रोल से तेल भी डला लिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सुबह सुबह देखो कितनी खुली रोड रहते हैं और काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, तो चलते हैं फिर आगे। हमें यहाँ से सीधा जाना है और सीधे जाके जो राजपुर रोड की रोड आएगी हाईवे के, फिर मसूरी चलेंगे फिर। तो ये आ गया है मसूरी की रोड, आ गई है राजपुर रोड की, तो अब यहाँ से हमें जाना है मसूरी आगे। तो साथ वाले तो आगे जा चुके हैं, काफ़ी गाड़ी भगाने में लगे हूँ क्योंकि प्लान हमारा सुबह का था 5 बजे निकलने का, पर सुबह निकलते निकलते हमें लेट हो गई है, 6 बजे निकले हम, तो धूप भी आने लग गई है। हम सोच रहे थे सुबह सुबह चलेंगे तो काफ़ी सही रहेगा ठंडे में, और थोड़ी धूप आने लग गई तो कोई नहीं, चलो इतना तो सहना पड़ेगा कि लेट हमने ही हमारी वजह से ही हो गई थी। मसूरी की रोड देखो कितनी सही है एकदम, काफ़ी खुली और काफ़ी चौड़ी भी रोड है, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर राइड करने में। तो अभी हम जिस जगह जा रहे हैं भट्टा फॉल, तो काफ़ी सही जगह है वो, और एक वाटरफॉल है वो, और फैमिली के लायक ठीक है, फैमिली प्लेस है एकदम, फैमिली के साथ आओ भट्टा फॉल इंजॉय करो आराम से, आराम से एक वाटरफॉल है और नीचे थोड़ा नहाने का स्पेस भी बना रखा सही सा, तो वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो चलते हैं फटाफट एक्सप्लोर करेंगे, और धूप भी निकल चुकी है, और धूप में निकलने के बाद काफ़ी मज़ा आएगा, और धूप देखो इतनी बढ़िया निकली है। तो आज भी हम लोग ही चले हैं, 6 जने हम लोग आज, फिर जो और मेरे दोस्त लोग हैं तो वो क्यों नहीं आते, बाकी जो हम लोग हैं जो हमारी गैंग हैं हम लोग तो चलते ही हैं सब साथ में हमेशा, काफ़ी मज़ा भी आता है, तो हमारे साथ चिल्लर पार्टी भी रहती है तो काफ़ी सही रहता है, उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आता है एकदम। तो बाकी तो फिर और कोई आता नहीं, पता नहीं कि वो थोड़ा शर्म आती होगी उन लोगों को, पर बाकी जो मेरे साथ वाले हैं उनको शर्म नहीं आती, वो चल पड़ते हैं मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आता है हमेशा इनके साथ जाने में। मसूरी से हम पहुंच चुके हैं, और मसूरी का एक व्यू दिखाता हूं बढ़िया सा, यहां से मुझे व्यू बढ़िया लगता है वाला, तो व्यू दिखाता हूं अभी। जो पहाड़ों का लाइनअप रहता है रोडों का, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है लाइनअप पूरा लेन में, पूरा यहां से पूरा वहां से घूम के फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से भी ऊपर हमें और निकलना है ऊपर की तरफ, तो काफ़ी सही रहेगा। और बाकी तो लाइनअप देखो क्या सड़क कितनी बढ़िया लग रही है मसूरी की, और वो देखो वो सामने दिख रहा है देहरादून। तो बाकी चलते हैं फिर आगे की तरफ, और ये देखो ये कौन जा रहा है, देखो ये भी साथ वाले आ चुके हैं पीछे से, मसूरी के टोल में पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ से टोल कटाते हैं फिर चलते हैं आगे, यहाँ से टोल कटाते हैं फिर चलते हैं आगे। क्या सुबह का नहीं है क्या जाएं? अच्छा तो वही तो कह रहा, मैंने कहा जाएं क्या, दे 10 पैसे दे दे। टोल कटा के हम लोग आगे चल चुके हैं, तो टोल तो हमेशा 12 रुपये का पड़ता है लोकल के लिए, और बाकी जो बाहर से गाड़ी आती है उनका पता नहीं मेरे को कितना पड़ता है, क्योंकि कभी मैं बाहर की गाड़ी में नहीं आया, कभी आया तो अपनी गाड़ी में आया लोकल, तो लोकल का तो 12 रुपये कटता है। और फिर उसके बाद ये जो आगे रोड जा रही है ये आगे मसूरी उत्तरकाशी की तरफ जाती है, तो इसलिए टोल कटता है, वहाँ से टूरिस्ट प्लेस है इसलिए कटता है टोल। बाकी तो वही है मसूरी के पहाड़ क्या बढ़िया लगते हैं सुबह सुबह, देखो लाइफ सूरज की लाइट पड़ रही है और कितने बढ़िया लग रहे हैं मसूरी के पहाड़। कि भाई ये देखो नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है पहाड़ों का, नीचे कुछ बना भी रखा है बैठने के लिए, बाकी तो व्यू देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है अभी।
तो देहरादून की ये खास बात अच्छी है कि पहाड़ हमारे पास ही है और कभी भी गर्मी लगती है तो हम चल जाते हैं, क्योंकि जैसे देहरादून में आजकल उमस हो रही है काफ़ी, तो उमस के बचने के लिए हम सुबह सुबह मसूरी पहुँच गए फिर दोबारा, और मसूरी में तो काफ़ी ठंडा लग रहा है इस टाइम, तो फुल स्लीव पहन के आना पड़ा मेरे को तो, और काफ़ी व्यू देखो इतना है, अभी धूप निकल गई तब भी अभी भी ठंडा लग रहा है, तो व्यू तो हमेशा बढ़िया रहता है। और देहरादून देखो वो रहा, देहरादून अभी यहाँ से कितना दूर दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा और आगे चलना है हमें, फिर बाकी चलते हैं आगे, बाकी साथ वाले हो रहे, और ये अपनी सोलमेट जिसके साथ हमेशा ट्रैवल होता है, तो ये मेरी सोलमेट है, तो इसके साथ चलता हूँ मैं हमेशा। चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए, अरे ये तो हम मसूरी पहुँच गए। अभी हम देखो यहाँ मसूरी के में खड़े हुए, तो ये देखो बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड से हमें नीचे की तरफ जाना है, इधर लेफ्ट में, तो ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ जाके रास्ता भी हमने पूछा एक से, तो वो कह रहे हैं नीचे की तरफ है, तो अब चलते हैं आराम आराम से। ये देखो ऐसी ढलान है पूरी, ऐसे ढलान में जाना है पूरा नीचे तक, तो पहुंचने वाले हैं हम भट्टा फॉल, तो यहाँ से जाना है हमें। ये रास्ता देखो भाई क्या भयंकर सा है, तो ईमान से उतारना पड़ा कार्तिक को, हम भी फिसलेंगे लग रहा, तो उतर ही जा, टायर फिसल रहा, तो मुश्किल ऐसे जाना। अबे वहाँ लगा देते सामने जहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी हुई सेफ रहेगी भाई, सबके साथ लगा देते हैं वहाँ, तो चलो भाई हम पहुँच तो गए हैं, गाड़ियाँ अब वहाँ लगा देते हैं उस साइड जहाँ और की गाड़ी भी खड़ी हुई साथ में। देखिए नीचे तो हम आ गए हैं और पानी देखो कितना तो बढ़िया दिख रहा है अभी, तो ये जगह है वो भट्टा फॉल की वाटरफॉल, और पानी देखो भाई कितना क्रिस्टल है, पूरा नीचे के पत्थर तक दिख रहे हैं, देखो देखो नीचे के पत्थर तक पूरे दिख रहे हैं, पानी बड़ा सही है और काफ़ी सही एरिया है एकदम नहाने के लिए, तो वहाँ पे भी देखो एक नहाने की स्पॉट थी, पर यहाँ देखो आगे आगे फिर हमें और जगह दिख रही है, एक ये झरना आ रहा है और उसके बाद आगे चल के एक और है, तो ये देखो ये एक और वाटरफॉल आ चुका है, तो ये आ रहा है पूरा वाटरफॉल, देखो कितना बढ़िया लग रहा है भट्टा फॉल का, ये जा रहा है पूरा, तो ये हम देखते देखते झरने के बाद आ चुके हैं पूरा, ये देखो नीचे एरिया भी काफ़ी सही है ना, बड़े से पानी देखो कितना मस्त आ रहा है, तो यहाँ पर भी ठीक जगह है, भट्टा फॉल आके भी सुबह काफ़ी सही लग रहा है एकदम, तो झरने की हवा तो पूरी मुँह तक आ रही है और काफ़ी नॉइज़ हो रही है यहाँ पे, तो मैं ऊपर जाके बात कर रहा हूँ, तो अभी हमारा प्लान बना है कि नीचे झरने में नहाने का नहीं है, जहाँ पे हमने जो मैंने आपको पहले लोकेशन दिखाई थी नहाने की, तो अभी हम वहाँ देख रहे हैं वहाँ नहा के नहाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी थोड़ा ठीक है और यहाँ पे थोड़ा कम पानी है, तो अभी थोड़ा नीचे वो साफ सफाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहाते जैसे आगे ऊपर, और ऊपर आके हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें नीचे नहीं नहाना, क्योंकि नीचे थोड़ा कम पानी हो रहा था और वहाँ साफ सफाई भी कर रहे थे पहले बताया, तो अभी हम लोग हमारा प्लान यही बन रहा है जहाँ पे मैंने पहले दिखाई थी आप लोगों को लोकेशन, तो अभी हम लोग यही नहा रहे हैं वापस, और पानी काफ़ी सही है यहाँ पे और काफ़ी साफ भी है, तो सही है यहाँ पे नहाएंगे, और ज़्यादा दूर नीचे जैसे और जगह होती है नदियों में जाके कांच में मिलते हैं, तो वो ही है यहाँ पे काफ़ी सही जगह है साफ एकदम, तो अभी हम लोग यही नहा रहे हैं और नहाने के लिए सब तैयार हैं, तो कार्तिक चला गया अंदर, तो अब चलते हैं पानी के अंदर सीधा और सैनिटिक चेक करते हैं फटाफट। पानी के अंदर के सिनेमैटिक लेते हैं और पानी GoPro पर चेक करते हैं क्वालिटी कैसे आती है, तो चलो फिर के ऊपर आ गया, और आप लोगों को जगह भी दिखाई कैसी जगह है, तो एक बार मैं फिर दिखाता हूँ ऊपर से कैसी कैसा व्यू आ रहा है ऊपर से, तो ऐसी जगह है कुछ, और वहाँ पे नहाए थे हम लोग अभी, तो नहाने की जगह वो भी है ये भी है छोटी मोटी, और एक नीचे जो वाटरफॉल दिखाया था वो इस तरफ है नीचे जाके, तो बाकी तो ये एरिया है, और बाकी ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, और साइड में सही है गाड़ियाँ पार्क करने की, ज़्यादा दूर भी ना गाड़ियाँ खड़ी करी थी और हम वहाँ आ रहे थे, तो ज़्यादा दूर भी नहीं थी, और एकदम दुकानें भी यहाँ पे खाने पीने का दिन में, तो सही है ये वाली जगह भी फैमिली के लायक ठीक ठाक है जगह एकदम, अभी भी फैमिली वाले आए हुए थे नीचे, अभी अभी आए जैसे हम ऊपर आए, तो फैमिली के लिए भी काफ़ी सही जगह है, और साइड में दुकान है दिन कड़े आराम से खुलती होगी, और खाना खाना यहीं पे बगल में एकदम नानी की जगह बगल में, और खाना की खाने की दुकान भी बगल में एकदम, तो काफ़ी सही जगह है, काफ़ी मज़ा आएगा आज आप लोगों को ये भट्टा फॉल देख के, तो मैं तो पहली बार आया सही बताऊँ तो, आज मैं पहली बार आया यहाँ पे, तो काफ़ी सही जगह थी मिले तो, पर जो ऊपर का रास्ता है ना वो थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, तो आओगे आप लोग तो संभल के आना जैसे हम लोग आए भी संभल के, तो अभी जाएंगे तो फिर एक को उतारना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि डबलिंग में चढ़ेगी नहीं टायर फिसलेगा,
तो बाकी तो फिर आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, जितने भी चैनल में नए लोग हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।